हाय बच्चों वेलकम बैक टू सी यू टाइड टू फोर सेवन मैं हूँ याशी मैम आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं एक और नए सेशन में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है और हमने काफ़ी हाँ, सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं अब बारी है दूसरे पार्ट को करने की उससे पहले मैं आप सभी लोग को विश करना चाहूँगी बहुत 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 हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज सभी लोग यहाँ पे बहुत जरूर एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और ये दिवाली मेक श्योर करिए कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मेहनत करें अपने आप से प्रॉमिस करिए कि यू नीड टू वर्क रियली हार्ड क्योंकि ये दिवाली डिसाइड करेगी जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप अगले साल की दिवाली कहाँ पे बताने वाले हो ठीक है तो किस कॉलेज में रहने वाले हो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करो और मेहनत करो मैं और सब लोग आपके साथ हमेशा से ही हैं और क्योंकि मैं मे बी दिवाली वाले दिन आप लोगों से लाइव तो नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी तो मैं अभी से ही आप सभी लोगों को एडवांस में विशेज दे देती हूँ कि मेरी गुड विशेज़ और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप सभी लोगों के साथ रहेंगी और आप लोगों के सिलेक्शन में डेफ़िनेटली एक बहुत ही अहम रोल निभाएंगी ठीक है okay. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर गुड विशेज़ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन जल्दी से सभी लोग सेशन में यहाँ पे लाइक और शेयर खुद ब खुद कर दीजिए टाइम थोड़ा कम है तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ने की कोशिश करी जाएगी आप लोगों को क्योंकि आप मैं चाहती हूँ कि देखो फेस्टिवल इंजॉय करो लेकिन ये नहीं कि बस इंजॉय फेस्टिवल ही करते रहो क्योंकि अभी इस वक्त और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिनों को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यही बात रहेगी कि पी डी एफ आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगी आई थिंक एवरीबडी नोज अब शुरू करते हैं देखो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठीक है लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करा था तो वी लर्न फ्यू थिंग्स सबसे पहले ई नॉट सेल जो निकाला था उसका फॉर्मूला था दैट इज इनॉट ऑफ एथॉट माइनस इनॉट ऑफ एनॉट ठीक है दूसरा हमने ई सेल ई एम एफ का फॉर्मूला निकालता नर्स इक्वेशन के थ्रू इन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रियक्टेंट की कंसेंट्रेशन अच्छा इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास सीधा आपका फिफ्टींथ को होगी दैट मीन्स वेडनेसडे को ठीक है तो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें और हम uh, नया चार्टर ही वो प्राप्ति स्टार्ट करेंगे तो केमिकल कैनेटिक्स की रहेगी और वो मैं लाइव लूंगी तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के पास अभी चार पाँच दिन हैं तो इसमें दो तीन चैप्टर हो गए हैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए तो आप इनको रिवाइज करेंगे और जो बैचेस में अगर बच्चे हैं तो आपका जो भी सिलेबस हो चुका है उसको आप रिवाइज़ करेंगे इन गिवन जो भी दिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है थर्ड थर्ड हमने सीखा था के लिबियम का फॉर्मूला तो के लिबियम वॉज टेन की पावर एन ई नॉट बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन और लास्टली फ्री एनर्जी का था डेल्टा जी नॉट नॉट इज टू माइनस एन एफ ठीक है तो ये चार फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे थे और रेजिस्टेंस मैंने शुरू किया था तो रेजिस्टेंस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज जो मेन टॉपिक वो हम शुरू करेंगे कंडक्टिविटी से ठीक है तो तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ या कंडक्टेंस की बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है आपके लिए अगर मैं बोलूँ पर्सपेक्टिव से कोई भी मेटल है जो है कोई भी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू फ्लो करवा दे वो एक कंडक्टर कहलाएगा ठीक है और उसकी कितनी एबिलिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को उस करंट को फ्लो करवाने की वो उसकी टेंडेंसी है या वो उसकी पावर है उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस तो यहाँ पर एक नया वर्ड आता है वॉट इज कंडक्टिविटी तो देखो कंडक्टेंस क्या है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस तो दिस दिस इज वन बाय रो ए बाय एल और वन बाय रो को बोलते हैं दैट इज ये कंडक्टेंस को हम जी से शो करते हैं तो वन बाय रो को हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी तो यहाँ से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है जी एल बाय ठीक है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी अगर मैं इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं सबसे पहली डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है डेफिनेशन बोल सकते हो अगर मैम आपके पास एक कंडक्टर है और उसका जो लेंथ है वो वन सेंटीमीटर है और उसका जो एरिया है वो वन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऐसे केस में इस कंडक्टर की जो कंडक्टेंस है वो उसकी कंडक्टिविटी के बराबर है सो so, मैं क्या बोल सकती हूँ द कंडक्टेंस ऑफ अ ऑफ अ मटेरियल दैट कंटेन्स वन सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड वन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एल बाई को क्या बोलते हैं हम जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं तो जी स्टार एक अगेन एक टर्म होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू एल बाय ए अच्छा एक और फॉर्मूला एक और डेफिनेशन के इक्वल्स टू मैंने क्या बोला जी एल बाय ए ठीक है अगर मैंने लेंथ वन सेंटीमीटर लिया और एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर लिया तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू एरिया दैट इज वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर स्क्वायर टीमीटर क्यूब इसको वन cc लिख सकते हैं और वन cc सी वन एम के बराबर होता है ठीक है तो मैं क्या बोल सकती हूं अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा डिवाइस है या कोई भी ऐसा कंडक्टर है कोई भी ऐसा मटीरियल है जिसका वॉल्यूम वन एम है ठीक है अगर मेरा वॉल्यूम वन एम है तो मैं बोलूँगी उस डिवाइस का जो कंडक्टेंस है वो उसकी कंडक्टिविटी के बराबर रहेगा सिम सिंपल बातें दोनों बातें बोल सकते हो आप अलग से भी बोल सकते हो कि अगर लेंथ वन, वन सेंटीमीटर है एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो के जी के बराबर है या फिर आप ये बोल सकते हो अगर वॉल्यूम वन एम एल है तो भी के जी के बराबर है तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ डिवाइस कंटेनिंग वन एम एल ऑफ वॉल्यूम और कंडक्टे कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ डिवाइस दैट इज कंटेनिंग वन सेंटीमीटर लेंथ एंड वन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों ही कंडक्टिविटी हो जाएगी अच्छा इसकी एस आई यूनिट क्या होगी अगर मैं बोलूं तो आपने यहाँ से सीखा के बराबर है मैम जी एल बाई ए के तो जो कंडक्टेंस से इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है सिमेंट ठीक है और ये हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो तो ये हो जाएगा सिमिन मीटर इनवर्स या फिर सिमिन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सिमिन को आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनमें से कोई भी आप यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंडक्टिविटी अब कंडक्टिविटी क्या होती है अब देखो इसको इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कंडक्टिविटी को एक और नाम दिया जा सकता है बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ठीक है इसका एक और नाम हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ठीक है तो यहां पर एक अगली चीज और अगली टर्म आती है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस बेसिकली अगर इसका डेफिनेशन बोले तो ये क्या होगा अगर तुम्हारे पास वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वन मोलर का मतलब जिसकी मोलारिटी वन एम है 1 ml electrolyte solution अगर कोई तुम्हारे पास है तो उसकी उसकी जो कंडक्टेंस है उसको क्या बोलेंगे उस केस में उसकी मोलर कंडक्टिविटी अब देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था ठीक है दैट इज अगर मैं बोलूं <coughs> एक मोल NaCl का ठीक है एक मोल NaCl इसमें तुमने डाल दिया ठीक है अब मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है n अपॉन वॉल्यूम ठीक है और मोल तुमने वन ले लिया तो वन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर तो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा और ml क्या हो जाएगा क्योंकि आप से मल्टीप्लाई कर दोगे अच्छा अभी आपने पहले ड्राइव करा था क्या आपने ये ड्राइव किया था कि एक एम एल की जो कंडक्टेंस है वो क्या है के तो अब मुझे बताओ थाउजेंड अपॉन एम एम एल सल्यूशन की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों तो मैम वही हो जाएगी क्या के इन टू थाउजेंड अपॉन एम और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैमडा एम इज इक्वल टू के इन टू थाउजेंड अपॉन एम मोलर कंडक्टेंस ठीक है इसको सही कर लेंगे सही कर लेना ठीक है दैट इज मोलर कंडक्टेंस क्लियर बात तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा के इन टू थाउजेंड बाई एम इज इक्वल टू योलर कंडक्टेंस ठीक है अभी जो ये मोलर कंडक्टेंस है ना ये क्या दिख रहा है आपको आपको एक बात समझ में आ रही है यहां पर लिखवा भी देती हूँ कंडक्टेंस ले लो चाहे आप कंडक्टिविटी ले लो और चाहे आप मोलर कंडक्टेंस ले लो ये तीनों की तीनों कंसेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है तीनों ही कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है तो अगर तुमने कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करा तो कहीं ना कहीं आपकी तीनों चीजें इम्पैक्टेड होती हैं, ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, ठीक है कंडक्टेंस की मैं बात करूं, तो कंडक्टेंस देखो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है सबसे पहला कि तुम्हारे कितने आयन्स है जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी क्या होगी उसकी मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी और दूसरा ऑब्वियसली उनकी मूवमेंट की मोबिलिटी कैसी है अगर ये दोनों फैक्टर्स में आपका चेंज आएगा तो आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू में भी चेंज आएगा ठीक है तो ऑब्वियसली अगर मैं कंसेंट्रेशन को क्या कह रही हूँ कम कर रही हूँ ठीक है मैं क्या कर रही हूँ कंसंट्रेशन को कम कर रही हूँ तो कंसंट्रेशन का फॉर्मुला क्या होता है एन बाई बी अगर तुम इसको कम कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ा रहे हो और अगर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आयंस की मूवमेंट भी बढ़ेगी ना क्योंकि उनको ज्यादा जगह मिल जाएगी मूव करने के लिए तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे बट उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी यानी कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस ठीक है सेकेंड बात अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आय पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है अब तुमने जब डाइल्यूशन करा ठीक है अगर आपने डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है वॉल्यूम डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ रही है अब एक बात बताओ जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्योंकि ये ऊपर है तो इनवर्सली रिलेशनशिप होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा तो ना अब पहले तुम्हारे पास दो आयन दो मोलिक्यूल से या दो मोल से दो एम में ठीक है अब तुम्हारे पास दो मोल्स हो गए चार एमएल में तो कहीं ना कहीं आपके जो वॉल्यूम बढ़ने से आपका के का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा तो हम याद रखना क्या बोलेंगे डायल्यूशन करने से आपका जो के है वो डिक्रीज होगा डाइल्यूशन करने से जो आपका के है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है और लास्टली आएगा मोलर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट ठीक है अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम है ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट और जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कमजोर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि वो अपने आयंस मैक्सिमम नहीं दे रहे इन्होंने अपने मैक्सिमम आयंस दे दिए यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी मैक्सिमम है ठीक है तो अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो तुम एक ही फैक्टर कर रहे हो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो जिससे मोबिलिटी बढ़ेगी और तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी लेकिन यहां पर आपके नंबर ऑफ आय अभी मैक्सिमम नहीं है ठीक है <coughs> और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अपॉन सी तो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हो दैट मींस तुम एल्फा को बढ़ा रहे हो और अगर तुम्हारा एल्फा बढ़ रहा है तो तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस भी अभी यहां पे बढ़ने लगेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे और मोबिलिटी तो बढ़ ही रही है क्योंकि वॉल्यूम आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग <coughs> इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैमडा एम इंक्रीज होगा डाइल्यूशन के साथ लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैमडा एम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा डाइल्यूशन के साथ दोनों बात समझ में आई बार जल्दी से रिवाइज करो अगर मैम आप यहां पे बोल रहे हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन के साथ क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है मोबिलिटी बढ़ रही है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन के साथ क्यों क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं केवल यही डिक्रीज करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैम जो है मोला कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि बस एक ही फैक्टर इंक्रीज़ करवा रहा है मोबिलिटी वीक के लिए मैम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि मोबिलिटी तो बढ़ भी रही है लेकिन साथ में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन करते जा रहे हैं क्लियर है बात तो अब पेपर में सवाल आएगा कि कितनी बढ़ेगी तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा क्या आपका जो आपने ये समझा कि मैम कंसंट्रेशन कम करने से आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है ठीक है लेकिन एक सोचो तुम कम कर रहे हो कम कर रहे हो कम कर रहे हो ये इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब तुम्हारा कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाएगा या फिर आपका अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा ठीक है मतलब कि वो अपना मिनिमम वैल्यू अटेन कर चुका है इस पॉइंट पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ये मैक्सिमम होगी और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी राइट सो बेसिकली दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सल्यूशन एट इनफाइनाइटली स्मॉल कंसनट्रेशन दैट इज कॉल्ड योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मैक्सिमम वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी का जो होगा वो होगा क्या उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब इसको निकालेंगे कैसे ठीक है आपको ये तो समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए आपका कंडक्टिविटी बढ़ ही रहा है ठीक है तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लू <coughs> अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले ले और मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं ठीक है दैट इज लामडा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का तो तुमको पता है कि मैम जब आप इसको कम कर रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ रही है इसको कम कर रहे हो ये वैल्यू बढ़ेगी इसको कम कर रहे हो ये वैल्यू बढ़ेगी मतलब कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ऐसे बढ़ती ऐसे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये आपका इधर जाके कम हो रहा है और ये वैल्यू आपकी इधर जाके बढ़ रही है तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा ठीक है ऐसा मिलेगा अगर आप इस लाइन को आगे लेके चले जाओ तो यहां पे ये को कट कर देगी ठीक है ये इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये कंसनट्रेशन क्या है अप्रोक्सीमेटली जीरो यानी कि ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू तो इसको क्या बोल सकते हो आप लैमडा नॉट एम क्या बोल सकते हो लैमडा नॉट एम अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो इसको हम वाईक्स टू सी प्लस एम एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं वाई एक्स पे क्या लिया लैमडा एम एक्सएक्स पे क्या लिया कंसेंट्रेशन स्लोप नेगेटिव है डिक्रीजिंग स्लोप है तो स्लोप मैंने कोई एक कॉन्स्टेंट मान लिया माइनस ए और इंटरसेप्ट क्या है जो वहां से वैल्यू मिली दैट इज लैम्डा नॉट तो ये आपकी इक्वेशन रहती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अगर आप graph बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इफ यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन तो इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दे देता है ठीक है क्या आपको ये इक्वेशन रटने की जरूरत है नहीं रटने की जरूरत अगर आपको ये ग्राफ पता है तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे बट ये किसके लिए कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आया तो फिर क्या करेंगे ठीक है तो अगर आप सेम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाने की कोशिश करो ठीक है रटना नहीं है ग्राफ ठीक है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट क्या चल रहा है ठीक है अगर मेरे पास वही लैमडा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ तो क्या देखा गया आपने इसको कम किया कम किया कम किया बढ़ रहा है कम किया बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और अचानक बहुत है। से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है ऐसा ही तो हुआ था जब मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्यों क्योंकि यहां तक तो आपकी वॉल्यूम का खेल है वॉल्यूम कम वॉल्यूम आपकी ज़्यादा हो रही है लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा ये वाला पॉइंट जहां पे एल्फा आपका मैक्सिमम हो गया हो गया और एल्फा मैक्सिमम हो गया होगा तो यहां से नंबर ऑफ आयंस आपके बहुत ज़्यादा हो गए होंगे जिस वजह से लैम टाइम आपका बहुत बढ़ गया अचानक से बहुत बढ़ गया तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ मिलता है वो एक कर्व होता है क्या होता है कर्व होता है अब तुम इसको कहीं भी आगे लेके चले जाओ ये कभी भी आपके सक्सेस को कट नहीं करेगा तो क्या इसका इंटरसेप्ट क्या इसका इंटरसेप्ट आपको लैमडा नॉट एन देगा तो आंसर होगा मैम नहीं क्योंकि इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं क्योंकि ये कर्व है तो मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग होला कंडक्टिविटी कैसे निकालें तो उसका सल्यूशन है आप लोगों का अगली चीज दैट इज कॉल्ड योर कॉल रैश ठीक है है लॉ लॉ क्या कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर एग्जाम्पल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है उसके आयंस की सी एच थ्री सीओ नेगेटिव एच पॉजिटिव उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के कोई भी ले लीजिए स्ट्रॉन्ग के लिए भी लगा सकते हो वीक के लिए भी लगा सकते हो लेकिन स्ट्रांग के लिए लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग का आपको ग्राफ से मिल जाता है लेकिन वीक के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वीक का ग्राफ से आप नहीं निकाल सकते ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास के टू एस ओ फोर है तो जो आयन है उसे मल्टीप्लाई भी करना है तो क्या हो जाएगा टू लामडा नॉट के प्लस और लामडा नॉट ऑफ एस ओ फोर टू नेगेटिव तो आप कॉल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटिंग मूल कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालने के लिए बस आपको क्या करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग आयन्स को एडअप कर देना है और उसको सम करके जो मिलेगा वो आपकी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी निकल कर आ जाएगी क्लियर है बात अभी तक जो तुमने पढ़ा सभी लोग एक बार तो यहाँ तो सेशन को लाइक कर दे यहाँ तक अभी तक जो तुमने पढ़ा वो पहला हिस्सा था चैप्टर का ठीक है इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको रिडक्शन क्या है ऑक्सीडेशन क्या है ये पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि ई नॉट सेल कैसे निकालना है और नर्स्ट इक्वेशन वाला कंसेप्ट यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा यहाँ से आपका डाइल्यूशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि डाइल्यूशन से कौन बढ़ेगा कौन घटेगा और फिर अगेन कॉल रेस्ट लॉस से सवाल आ सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए तो आपको आयंस को प्लस माइनस करना पड़ेगा ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज ऑब्वियसली योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अब ये आपने पढ़ा भी था मेरे साथ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी सेल है जिसमें आप क्या कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो कुछ रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए एंड वहां से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है यूसेज होता है ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था ठीक है आई होप सभी लोग को याद है तो अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको अच्छा कैथोड होगा और एनोड होगा याद रखना था कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही था और इस केस में कैथोड के क्या था आपका दैट वाज नेगेटिव टर्मिनल और एनॉड पे क्या होना था ऑक्सीडेशन ही होना था और एनॉड क्या था आपका पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है क्या है पॉजिटिव टर्म में अच्छा अब एक बात क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है अगर मैं ऐसे बना रही हूँ तो ये जो सेल है एक ही डब्बा है यहाँ पे ठीक है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो एक चीज जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होंगे केटायंस होंगे और एनायंस होंगे तो केटायंस जाएंगे याद रखना कैथोड पे और एनायंस जाएंगे एनोड पे कैसे याद रखना है मैम सी फॉर केटायन सी फॉर केथॉर्ड तो कैथोड पे कौन जाएगा केटायन क्यों? क्योंकि केटायन रिड्यूस होकर आपको मेटल देंगे और एनायन जाएगा कहाँ पे एनोड पे ठीक है कहां पे जाएगा एनोड पे फॉर एग्जाम्पल देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ठीक है कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग ठीक है मेरे पास कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस मुझे करना है ठीक है और अच्छे से बना लेते हैं ठीक है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइस करना है तो एक कॉपर की रॉड प्योर होगी और एक आपकी इंप्योर होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंप्योर कॉपर तो ये कॉपर को यहां पे रिलीज करेगा ठीक है कॉपर यहां पे रिलीज हो रहा है और कॉपर रिलीज जो हो रखा है वो डिपॉजिट होगा एक के ऊपर और यहाँ पे कॉपर प्योर बनता जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल सी तो इस वाले से क्या हो रहा है यहां पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कॉपर इज गिविंग यू कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है और इस वाले पे इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है कॉपर यहां पे आके डिपॉजिट हो रहा है सी यू प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू कॉपर ठीक है तो ये वाला फिनोमना क्या है ये वाला फिनोमना आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यानी ये एनोड है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो माने ये क्या है कैथोड तो एक बात तो तुमको समझ में आई कि कैथोड पे हमेशा प्योर मेटल डिपॉजिट होता है ठीक है प्योर मेटल क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है ठीक है ये आपका इम्प्योर इम्प्योर क्या है एनोड और प्योर क्या है ठीक है तो पेपर में क्या सवाल आएगा पेपर में सवाल आएगा कि कितना मेटल हुआ ये बताओ तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया और कितना मेटल डिपॉजिट हुआ ये तुमको पूछा जाएगा तो इसके लिए फराडे साहब आए और उन्होंने आपको दो लॉज दी थी। ठीक थी? है फराडे ने बोला कि पहली लॉ कहती है कि जब तक तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक रिएक्शन चलेगा

अगर W इक्वल्स टू Z आई टी है तो Z यहाँ पे होता है मोलिकुलर मास ऑफ द मेटल अपॉन उसके ऊपर कितना चार्ज है और इन टू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो तो फॉर्मूला क्या आएगा W इक्वल्स टू मोलिकुलर मास करंट टाइम अपॉन में इन फैक्टर नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट से आप कॉपर को निकाल रहे हो तो कॉपर टू प्लस चार्ज हो गया तो यहां से ये तो मोलिकुलर मास कॉपर का आ जाएगा करंट एम्पियर में आएगा टाइम सेकेंड में आएगा एन फैक्टर प्लस टू का चार्ज आएगा और नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ग्राम आपका कॉपर डिपॉजिट हुआ वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है कितना डब्लू कितना ग्राम आपका मेटल डिपॉजिट हो रहा है डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कितना तुमने चार्ज दिया उसको दैट इज करंट इन टाइम के और मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर आपका एज अ यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इसी को क्या बोलते हो? यहां से आपके जो है, वो पेपर में दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में लगाया और उनको सेम टाइम तक सेम करंट दिया तो उनका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या बोलता है कि तुमने फॉर एग्जांपल एक सेल था उसको तुमने सेम करंट सेम टाइम दिया दूसरा सेल था <coughs> उसको सेम करंट सेम टाइम दिया डब्ल्यू <coughs> वन W1 जेड क्या क्या जाएगा आई के बराबर यहां से W2 टू बाय जेड टू जाएगा आई के बराबर अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या लिख सकते हो W1 वन बाय जेड वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई फिर W1 वन बाय टू टू जेड वन बाय जेड टू इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड वेन आई एंड टी आर कॉन्स्टेंट सेम ही तो बात थी अभी जब मैंने फर्स्ट लॉ निकाली तो फर्स्ट लॉ में मैंने आई टी वेरी कर रहा था जेड को कॉन्सटेंट किया था अगर दो सेल आपकी सेम है तो करंट और टाइम सेम है तो उसके केस में सेम्ल्यू और जेड डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा तो आप ये तब लगाओगे जब दो सेल को आप सेम टाइम तक सेम करंट दे रहे हो आई टी कॉन्सटेंट होना चाहिए दोनों सेल के लिए तभी हम सेकेंड लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेनली इसका पर्पस यही था ये यह बताने के लिए कि तुमने कितना मेटल डिपॉजिट किया किस इलेक्ट्रॉड पे वो तुमको पता चल रहा है फिराडे की फर्स्ट और सेकेंड लॉ से क्लियर है चलिए आइए अब अगला सवाल आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या मिलता है मेरे को देखो आपको पहली बात ये समझ में आ रहा है कि कैथोड पे आएगा केटाइन और एनोड़ पे आएगा एनाइन ठीक है कैथोड पे होगा रिडक्शन और एनोड़ पे होगा ऑक्सीडेशन ठीक है ये वाला कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को बहुत बार समझ नहीं आता है तो इसको आप एक बार थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना देखो अब रिडक्शन किसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और ऑक्सीडेशन किसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है इसमें कोई दिक्कत परेशानी आई डोंट थिंक सो नहीं so है तो कैसे पता चलेगा आप याद तो नहीं कर सकते तो मैं आपको एक जनरल बात बता दूं देखो हाइड्रोजन के ऊपर कुछ ही चुनिंदा मेटल होते हैं जैसे कि कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लाटिन ठीक है ये चार आपके हाइड्रोजन के ऊपर है जिनका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है ठीक है बाकी सारे मेटल नीचे ही रहेंगे चाहे आप आयरन को ले लो चाहे आप पोटेशियम को ले लो चाहे आप एल्यूमिनियम को ले लो ये सब नीचे हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो जब भी आप इनको इनके साथ कंपेयर करोगे तो हमेशा यही रिड्यूस होंगे ऊपर वाले नीचे वाले तो होंगे नहीं ठीक है एच प्लस से भी ज़्यादा है तो एच प्लस को भी यही हरा सकते हैं एच प्लस किसको हरा देगा इन सबको एच प्लस हरा देगा क्योंकि ये इनका तो नेगेटिव है और H प्लस का जीरो है तो कैटायन के, के केस में ये सब केटायन ही होंगे तो कैटाइन के, के केस में H प्लस से ये जीतेगा ठीक है ये सब जीतेंगे और ये सब नीचे वाले सब हार जाएंगे बस आपको याद रखना है ये चार जीत सकते हैं, हैं। बाकी सब हारेंगे ठीक है एनआईन का बता देती हूँ एन के केस में ओ एच नेगेटिव जीतता है ठीक है ओ एच नेगेटिव जीतता है एस आपके एन जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जनरली एस ओ फोर टू नेगेटिव या पी ओ फोर थ्री नेगेटिव एच नेगेटिव जीतता है और केवल नेगेटिव से आपका ओ एच नेगेटिव हारता है एक बार आप इसको देख लो माइल्डली ठीक है अभी हम क्वेश्चन और एनायंस का केस जनरल ये रहेगा क्योंकि आप अभी देखोगे कि इनकी क्या जरूरत पड़ेगी इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको समझाऊंगी कि इसका एप्लीकेशन क्या है चलो यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यही बताती है कि आपके आ, कौन से कीटायन में रिडक्शन की पावर ज़्यादा है किसमें कम है तो देखो H प्लस के आगे कॉपर है ठीक है मरकरी भी है बट मरकरी आपको जनरली दिखेगा नहीं ए जी है पीटी और ए यू है तो केवल चार ही ज्यादा है मैंने आपको बोले थे बाकी सब देखो पीछे आयरन क्रोमियम जिंक मैग्नीज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम कैल्शियम पोटेशियम लिथियम सब कम है तो हाइड्रोजन को केवल ये चारों ही हरा सकते हैं बाकी सबसे हाइड्रोजन जीत जाएगा ठीक है मतलब रिडक्शन में कि अगर इनको कंपेयर करना होगा तो एच प्लस रिड्यूस होगा बाकी सबके सामने और ये सब रिड्यूस होंगे केवल एच प्लस के सामने ठीक है आइए चलिए एन का इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं एनए सी की बात कर रहे हैं ठीक है अगर मैं एन ए सी की बात कर रही हूं तो मेरे पास एन ए प्लस है और सी एल माइनस है ठीक है क्योंकि आप पानी में डालोगे एंस में टूट जाएगा कैथोड पे कौन जाएगा कैटायन जाता है और कैटायन यहाँ पे क्या है केवल एक ही है क्या है एन ए प्लस तो एन प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छा एनऑड पे क्या होगा सी एल नेगेटिव सी एल टू गैस दे देगा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इसको आधा मोल मिल जाएगा तो मोल्टन एनए में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे तो दो ही चीजें हैं तो आपको कैथोड पे मिलेगा सोडियम और एनऑड पे मिलेगी क्लोरीन गैस ठीक है दिक्कत नहीं है लेकिन अगर एनएसीएल एक्वस है तो यहाँ पे Na+ प्लस है सी एल माइनस है एक्वा से तो पानी भी तो होगा एच प्लस और ओ एच माइनस भी होगा अब दिक्कत आएगी अब बताओ कैथोड पे कौन जाता है कैटायन जाता है और कैटायन कौन से एन ए प्लस और एच प्लस अब मैंने बताया था तुमको एच प्लस केवल किससे हारता है चार चीजों से हारता है कॉपर सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड सोडियम से क्या हारेगा नहीं क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और H प्लस का जीरो है तो नेगेटिव से बड़ा होता है जीरो, तो रिड्यूस तो होगा एच प्लस हाइड्रोजन गैस आइए एनोड एनोड में भी मैंने वैसे हालांकि आपको बता दिया सी और ओ OH एच में से कौन जीतता है लेकिन इसका अब रीजन बताने जा रही हूं देखो सीएल और ओ OH में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होता है अगर मैं बोलूं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है आपके ओ एच नेगेटिव का ठीक है अगर मैं बोलूं या आई वुड राइट कि रिडक्शन पोटेंशियल की टम से बोलूं तो किसका कम होता है ओ एच नेगेटिव का तो मतलब मैम जाना ये चाहिए था क्योंकि कंसेप्ट वाइज तो यही जाएगा जिसका कम होता है वही ऑक्सीडाइज होगा लेकिन हालांकि रीजन क्या है एग्जैक्टली exactly क्या होता है इसका भी बहुत कम है और इसका भी बहुत कम है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एनोड है ये सी एल नेगेटिव ये ओ एच नेगेटिव दोनों जाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है दोनों जाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बहुत स्लो हैं। तो क्या होता है कि आप इसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे देते हो ठीक है और जब आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे देते हो तो ये कुछ ज्यादा ही ले लेता है लालच बुरी वाला है और जब ये ज्यादा पोटेंशियल ले, ले लेता है तो फिर ज़्यादा किसका हो गया है ओ OH एच का और कम किसका है सी का तो सी आपका पहले पहुंच जाता है तो इस एक्सेप्शन का रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ये ज़्यादा पोटेंशियल लेने की वजह से हार जाता है और सी जीत जाता है ऑल्सो आप इसको याद करने का तरीका भी कर सकते हो कि सी एक सिंगल एटम है ओ OH एच दो एटम है तो सी जल्दी पहुंच जाता है इन कंपेरिजन टू ओ एच क्योंकि दो लोग हैं तो ऐसे भी कर सकते हो तो बस याद रखना कि सी और ओ OH एच में से आपका सी जीतता है और सी आपको यहाँ से सी एल टू गैस देगा तो याद रखना है बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है एन के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट आपके हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस पाए जाते हैं क्लियर है बात ठीक है अब मैं आपको सारे बता देती हूँ जो जो आपके पेपर में आ सकते हैं जल्दी से देख लीजिए कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं फ्यूज एन तो हमने देख लिया सोडियम और क्लोराइड रहेगा ठीक है फ्यूज एन फ्यूज एन एच मतलब अभी aqueous नहीं आया तो Na है तो 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 है 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 वो sodium जाएगा पे पे और OH है तो oxygen जाएगी ठीक तो OH अभी आप बताओ के प्लस और एच प्लस में से कौन अभी मैंने आपको बोला किससे हारता है केवल कॉपर से प्लाटिनम से सिल्वर से गोल्ड से तो एच प्लस ही जीतेगा तो आपको cathode पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी CL और OH में कौन जीतता है Cl जीतता है भी -भी आपको बताया था तो यहाँ पे क्या मिलेगी क्लोरीन गैस आपको बस प्रोडक्ट पूछे जाएंगे पेपर में के टू एसओ फोर के प्लस एच प्लस एसओ फोर और ओ एच माइनस के और एच में से कौन जीतता है एच ही जीतता है तो हाइड्रोजन गैस अच्छा एसओ फोर और ओ OH एच में से ओ एच OH केवल सी एल से हारता है बाकी किसी से नहीं हारता तो एसओ फोर होगा सॉरी ओ एसओ फोर से हार जाएगा मतलब एस फोर हार जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगी ऑक्सीजन गैस ठीक है सी यू सी एल टू तो कॉपर टू प्लस एच प्लस सी एल और ओ OH. एच कॉपर और एच में से अब आपको बताया था कॉपर से हारेगा एच प्लस तो कॉपर जाएगा तो कॉपर मिलेगा सीएल और ओ OH एच में से सीएल जीतेगा तो सीएल मिलेगी बस आपको प्रोडक्ट से याद करना है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है अगर आप उससे करोगे तो आप मोस्टली सब के आंसर कर पाओगे और लास्ट सी यू एस ओ फोर कॉपर एच प्लस एस ओ फोर ओ एच नेगेटिव कॉपर एच प्लस में से कॉपर जीतेगा एस ओ फोर ओ एच में से ओ OH एच जीतेगा ठीक है तो याद क्या रखना है कि H प्लस केवल किससे हारता है कॉपर से सिल्वर से प्लैटिनम से और गोल्ड से ओ OH एच केवल किससे हारता है सी से और ओ OH एच बाकी किससे जीत जाता है आपके एस फोर से और पी फोर से ठीक है तो अगर आपको ये याद है तो आप ऑलमोस्ट सबके प्रोडक्ट बना पाओगे और इससे रिलेटेड एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है आई होप इट्स क्लियर टू एवरी ये नोट्स प्लीज देख लेना बाद में जाके नोट्स बना लेना इससे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाद में रिविजन के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे अब मेन सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अगेन ये सीरीज मैंने आपको बता ही दिया है छोटी बात और लिख सकते हो कि अगर किसी भी ई नोट में नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव है मतलब कि रिड्यूस नहीं होगा मतलब कि ये रिड्यूस होगा ये अगर रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा जो भी चीज है और जो ऑक्सीडाइज होती है वो क्या करती है खुद ऑक्सीडाइज हो रही है दूसरे का रिडक्शन कर रही है तो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक है तुम क्या बोलेंगे नेगेटिव ई नॉट का मतलब है कि रिडोक्स कपल एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका नेगेटिव ई नॉट है मतलब ये तो ऑक्सीडाइज होगा यानी कि क्या है रिड्यूसिंग एजेंट अगर इसका पॉजिटिव है यानी कि इसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अगर पॉजिटिव ई नॉट है किसी रिडॉक्स कपल का, का तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है समझ में आ गई बात ये जीरो ये माइनस तो इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन ये जीरो ये प्लस यानी कि इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन सिंपल कंसेप्ट अगर ई नॉट पॉजिटिव है ठीक है लिख देती हूँ मैं ई e नॉट या तो पॉजिटिव एच का जीरो

और कॉपर अगर आप उल्टा कर दो कॉपर और जिंक सल्फेट का रिएक्शन कर दो तो क्या बनेगा कॉपर सल्फेट और जिंक अगर आप चेक यह प्लस टू से जीरो में जा रहा है ये जीरो से प्लस टू में जा रहा है ये प्लस टू से जीरो में जा रहा है कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और जिंक का क्या हो रहा है रिडक्शन अब मुझे एक बात बताओ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा है जिंक से तो हमेशा कॉपर का क्या होगा रिडक्शन क्या कभी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है नहीं तो क्या ये रिएक्शन होगा नहीं बट ये रिएक्शन तो हो जाएगा यस और नो तो क्या आप कॉपर को आप कॉपर के मेटल में जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगा अगर आपने कॉपर के वेसल में जिंक सल्फेट को सेव करा तो ये सेफ है लेकिन अगर आपने जिंक के जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को सेव किया तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा तो आप ये स्टोर नहीं कर सकते पेपर में कभी कभी ये सवाल आ सकता है तो क्या है अ मेटल विद हाइयर नेगेटिव पोटेंशियल डिस्प्लेस द मेटल विद लोअर पोटेंशियल ठीक है तो अगर आपको सेव करना है तो आप अगर आपको ये कुछ स्टोर करना है तो आप लोअर पोटेंशियल वाले को स्टोर कर सकते हो हाइयर पोटेंशियल वाले में ठीक है लेकिन वाइसें वर्षा नहीं कर सकते ठीक है तो जिंक सल्फेट को कॉपर में कर सकते हो बट कॉपर सल्फेट को जिंक में नहीं कर सकते हो ठीक है समझ में आ रही है बात क्यों क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज तो होता नहीं है लेकिन अगर ऐसा किया तो रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे और जिंक जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा क्लियर है बात आई थिंक इट्स क्लियर चलिए लास्ट की तरफ बढ़ जाते हैं बहुत ही छोटा सा सेक्शन है अब ये बस थियोरिटिकल पार्ट है तो इसको आप थोड़ा सा एन से, से रीड कर लेंगे थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी आज फेस्टिवल का टाइम है मैं नहीं चाहती कि हम ज़्यादा इसको खींचे और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा और डिटेल में हम करेंगे जैसे कि मेरे को बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा और डिटेल में करवा दो तो आई ट्राई कि आ, ये ये हालांकि भी मैंने सब कुछ ही आपको कंप्लीट करवाया कुछ छोड़ा नहीं है लेकिन, लेकिन अच्छा, डीपीपी जो है वो मैं आपको कम्युनिटी पर देने की सोच रही हूँ तो आई थिंक मंडे को मे बी मंडे को आई विल गिव यू आर डीपीपी कम्युनिटी पर ठीक है दोपहर में बारह एक बजे के आसपास आई अपलोड इट तो कम्युनिटी चेक करते रहना क्योंकि अगर मेरे को कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या मैसेज देना है तो मैं आपको कम्युनिटी पे ही दूंगी जो ऐप पे ठीक है ऐप पे जो केमिस्ट्री वाली कम्युनिटी है उस पर तो जितने भी बच्चे हैं उसको ज़रूर फॉलो कर ले ठीक है आइए अब बैटरी देखो दो टाइप की होती है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी ठीक है मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही क्योंकि ये ये आपका पेपर में ज़्यादा आता नहीं है और ये थ्योरेटिकल सेक्शन है तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी से प्लीज़ कर लीजिएगा कि इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं हैं जो भी समझाने वाली बातें थी वो सब मैंने आपको लिखवा दी है और करवा दी है ठीक है अभी ये थ्यूरिटिकल सेक्शन है ठीक है बैटरी दो है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी बैटरी कौन सी है जिनको आप रीयूज नहीं कर सकते जिनको आप एक ही बार यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल आपका जो आ, सेल होती हैं रिमोट में होती हैं घड़ी में होती हैं वो एक बार यूज होती है उसको रिचार्ज नहीं कर सकते एग्जाम्पल ड्राई सेल लीलांचे सेल और मरकरी सेल मरकरी सेल बटन सेल होती है जो वॉचेस में डलती है और ये लीलांचे सेल आपकी बड़ी वाली सेल होती है जो आपकी रिमोट्स में डलती है ठीक है अच्छा इनके रिएक्शंस अगर आप करना चाहो तो आप रिएक्शंस देख सकते हो एनसीईआरटी से लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी टू डू इट क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पेपर में एग्जाम्पल और यूज़ से सवाल अभी तक पूछे गए हैं लेकिन बोर्ड्स के पेपर देने जा रहे हो तो रिएक्शंस कर लेना अदरवाइज रिएक्शन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इन दोनों में से भी लीलांटे सेल का देख लेना अगर करना हो तो वरना मतलब बस पता होना चाहिए वहीं सेकेंडरी बैटरी कौन सी है जिसको आप बार बार री कर सकते हो है ना रिचार्ज कर सकते हो जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी होगी इन्वर्टर हो गया ठीक है कोई भी ऐसी चीज जो रिचार्जेबल हो और जो जितना अच्छा रिचार्ज जितनी ज्यादा बार रिचार्ज हो सकता है वो उतनी ही अच्छी सेकेंडरी बैटरी है ठीक है एग्जाम्पल लेट स्टोरेज बैटरी जो आपकी इन्वर्टर्स की होती है और निकल के आदमी बैटरी तो ये दो एग्जाम्पल्स रहेंगे सेकेंडरी सेल के एक मैच द फॉलोइंग आ सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल्स के साथ ठीक है लास्टली देन यू हैव योर फ्यूल सेल्स ठीक है फ्यूल सेल्स अगेन क्या है गैलवनिक सेल्स है जिनको जिसमें हम क्या करें गैल्वेनिक सेल्स में हमेशा हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर, कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग केमिकल एनर्जी बट यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं कंबस्शन से तो आप कोई भी फ्यूल को कंबस्ट करके एनर्जी को बना रहे हो और उसको यूज करके आप उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो तो यहाँ पर केमिकल एनर्जीज कॉस्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन मिथेनॉल मिथेनॉल तो इन सब फ्यूल्स को बर्न करोगे तो केमिकल एनर्जी आएगी उसको कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और कुछ चीज़ों को बनाओगे तो ऐसी चीज़ों को ऐसी सेल को बोला जाएगा फ्यूल सेल फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल ही होते हैं ठीक है तो इसमें हमने इसका इस्तेमाल किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है ठीक है नॉर्ड पे आपका H2 है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पे वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम ठीक है लास्ट इज कोरोजन अब जितने भी मेटल्स हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उस फिनोमना को क्या बोलते हैं क्रोजन जब आपका कोई भी सब्सटेंस है इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना लेता है तो उस चीज़ को बोलते हैं कि वो जो मेटल है वो क्रोड हो चुका है चाहे वो सिल्वर है जो ब्लैक हो जाता है कॉपर है जो ग्रीन हो जाता है आयरन है जो रस्ट हो जाता है वो सभी कोरोजन्स के एग्जाम्पल रहेंगे तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं तो इसको प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन टार्निशिंग ऑफ सिल्वर या फिर ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर को ये सभी कोलोशन के एग्जाम्पल हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है आप उसकी सरफेस को पेंट कर दो सर्टेन केमिकल से ताकि सरफेस और इन्वायरमेंट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आए ठीक है या फिर उस मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की लेयर लगा दो जो इनर्ट हो जैसे कि टेनिया जिंक ठीक है जिसको हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी बोलते हैं ठीक है एंड देन सेक्रिफिशियल इलेक्ट्रॉड अगेन आप किसी एक मेटल के साथ उसको उसके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो जो कि खुद क्रोड हो जाए यानी कि जो ज़्यादा टेंडेंसी रखे ऑक्सीडाइज होने की इन कंपेरजन टू द मेटल जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो ठीक है तो क्रोजन के प्रिवेंशन यही मेनली रहेंगे मेन सबसे ज़्यादा इसको इसमें इलेक्ट्रो प्लेटिंग को बोला जाता है जिसमें हम जिंक की जो लेयर है एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं ठीक है सो दैट इज़ अट द मेन जो समरी है जो मेन चैप्टर का इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है याद रखिएगा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है नर्स्ट इक्वेशन ई नॉट सेल का कैलकुलेशन कंडक्टिविटी का जो मैंने थ्योरेटिकल बातें बताई डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट कॉल रैश लॉ ठीक है देन कम्स प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फ्राइडे की फर्स्ट लॉ और कोरोजन में भी थ्योरी इज इंपॉर्टेंट अदरवाइज बाकी सब चीज़ों में आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बट ये पर्टिकुलर चीज है जो आपको करनी ज़रूरी है ठीक है जैसे कि मैं आपको जल्दी से बार प्रैक्टिस करवा देती हूँ जो लास्ट क्वेश्चन हमने दिए थे रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो देखो रिडक्शन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर दूसरे का रिडक्शन यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ ऑक्सीडेशन यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है के <coughs> uh, का ठीक है माइनस में है फिर मैग्नीशियम का है तो के के बाद एम जी के बाद एम जी आ जाएगा उसके बाद आपका आ जाएगा सी uh, आर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से एच जी और लास्ट में आएगा ए जी यस ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर करेक्ट ऑप्शन ठीक है नाइस आई थिंक मैंने काफ़ी सारे बच्चों ने कर लिया था मैच द फॉलोइंगे यूनिट के साथ मोलर कंडक्टिविटी सेल कॉन्स्टेंट सेल कॉन्स्टेंट सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा एल बाई ए टू का ए होगा और टू का ए दो ऑप्शन में दे रखा है ठीक है उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विलेंट कंडक्टिविटी इक्विलेंट का इक्विलेंट वाला होगा डी का हो जाएगा सी डी का हो जाएगा सी ऑप्शन में गलती है क्या जाओ मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए का तो है बी ठीक है और बी का है ए ठीक है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस थ्री का है डी ठीक है और डी का है सी ठीक है तो डी वुड योर करेक्ट ऑप्शन ठीक है डी वुड हैव बीन करेक्ट ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन था इसको आपको सॉल्व करना था ई uh, सेल e निकालने के लिए मैं आपको इक्वेशन लिखवा देती हूँ ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन एंड की वैल्यू आपको दिख रही है दो से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो टू है और लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन पॉइंट वन थ्री अपॉन दैट इज ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन की पावर टू ठीक है इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा कर लेते हैं एक बार सॉल्व इसको देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यू पेपर में दी जाएगी ठीक है तो उसका आप टेंशन मत लो बट मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ पॉइंट वन थ्री है जीरो पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो 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 अगर आपको लॉग लेना है तो सेवन पॉइंट वन वन आएगा ठीक है तो ई नॉट का वैल्यू कितना है थ्री पॉइंट वन सेवन माइनस पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू सेवन पॉइंट वन वन ठीक है तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ टू से मल्टीप्लाई कर दूँ जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन से और माइनस कर दो थ्री पॉइंट वन सेवन से तो टू पॉइंट नाइन फाइव के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा टू पॉइंट नाइन फाइव नाइन वोल्ट तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट असर्शन है लेड लेट स्टोरेज बैटरी गैल्वेनिक सेल होती है नहीं होती है सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होती है सही बात है तो ए तो फॉल्स है ठीक है और लेट्स नहीं ए तो फॉल्स ही है सेकेंडरी सेल इज रिचार्जेबल हाँ ये सही है तो ऑप्शन क्या रह सकता है अजर्शन इज फॉल्स दोनों इसमें आपका ऑप्शन फिर सही नहीं है ऑप्शन में दिक्कत है देखो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है लेट स्टोरेज बैटरी गैल्वेनिक सेल नहीं होती है वो एक आपकी हाँ नहीं नहीं हम बैटरी की बात कर रहे थे ना हाँ गैल्वेनिक सेल तो होती है सही बात है तो लेड स्टोरेज बैटरी आपकी क्या है लेड स्टोरेज बैटरी इज योर सेकेंडरी सेल ना ठीक है सेकेंडरी सेल है बट यस गैल्वेनिक सेल तो होगी ना गैल सेकेंडरी सेल या प्राइमरी सेल में कोई डिफरेंस आपका क्रिएट नहीं होगा इन चीजों के बीच में तो आप मुझे बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा यस और नो एक second. ज की दोनों सही हैं, बट दोनों एग्जिस्ट का रीजन नहीं है तो आई वुड से कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है लास्ट इक्विलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करता है क्यों क्योंकि आपकी जो है मूवमेंट इंक्रीज करती है तो आई वुड से कि इंक्रीज इन इंट्रैक्शन इंक्रीज इन डिसोसिएशन नहीं इंक्रीज ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो ये आपका रीजन हो सकता है चलिए अब मैं आपको डीपीपी नंबर टू दे रही हूँ उसको आप सॉल्व कर लेंगे ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप अटेम्प्ट कर लेंगे और उसके बाद आप मुझे आ, मैं आपको मंडे को मंडे को आ, एक नया डीपीपी दे दूंगी इस चैप्टर का ऐप के ऊपर तो उसको और लगा लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा देखो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा उतना ज्यादा आप चीज़ों को सीख पाओगे ठीक है लास्टली दिवाली चल रही है तो आपकी सेल भी चल रही है तो जो भी बच्चा सोच रहा है बैच में इनरॉल करने का वो कर सकता है मौका भी एकदम सही है नया बैच आपका लॉन्च भी हो चुका है श्रेष्ठा टू पॉइंट हो सत्रह नवम्बर से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप प्लान कर रहे हो बैच में ज्वाइन करने की तो आप कर सकते हो बैच देखो छः का है और महापैक सात हज़ार का है इस वाले कोड के साथ वाई फाई के साथ तो मेरा ऑप्शन मेरा सजेशन रहेगा महापैक ज्वाइन कर लो लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम एक हज़ार से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो फिर आप श्रेष्ठा टू पॉइंट ज्वाइन कर लो क्योंकि उसमें भी सिलेबस पूरा होगा एंड तक कंप्लीट होगा टेस्ट सीरीज होगी सब कुछ रहेगा बस महापैक का ये एडवांटेज होगा कि इस बैच के अलावा और भी जो बैच आएंगे वो भी आपको महापैक में मिल जाएंगे तो दोनों में से कुछ भी अगर आप सोच रहे हो प्लान कर रहे हो देखो क्योंकि आप जब डायरेक्टली कन्वर्स बात नहीं कर पाते हो डायरेक्टली डाउट सॉल्व नहीं कर पाते हो तो ये एक प्रॉब्लम रहती है बहुत बच्चों के साथ हालाँकि यूट्यूब पर भी हम पढ़ रहे हैं लेकिन एक होता है ना कि पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिल पाती है और अगर आपको चाहिए कि रिज़ल्ट ही चाहिए रिजल्ट से कम कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैम चल ला लेंगे काम तो वो ना तुमको पता चलेगा छः महीने बाद कि तुमको लगेगा कि मैम क्यों हमने ऐसा किया ठीक है लास्ट में वो फीलिंग ना रहे रिग्रेट ना रहे आपको ये लगे कि हमने हंड्रेड परसेंट मेहनत करी है तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान वे में पढ़ाई करो और आई वुड सजेस्ट यू कैन जॉइन द बैच क्योंकि अभी डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है सो यू कैन गो फॉर इट अदरवाइज आप मेरे को मेल पे भी बात कर सकते हो तो कोई डाउट रहता है परेशानी रहती है तो और मेरी ईमेल आईडी आप सभी लोगों को पता है दैट इज़ आयुषी डॉट शर्मा एट द रेट ऑफ टू फोर सेवन डॉट कॉम अदरवाइज मेक श्योर करो यार इतना चिल आउट रहो इतना कोई टेंशन नहीं है एक बार देखो स्कूल भी तो जाते ही है ना फीस तो भरते ही हैं स्कूल की भी तो इट्स समथिंग लाइक ये समझो कि आप अपनी एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी एजुकेशन के लिए चीज़ों को कर रहे हो तो आप बस मैं बता देती हूँ जो भी नई जनता है हमारे साथ आप अड्डा टू फोर सेवन की वेबसाइट पर चले जाना ठीक है इंटरग्रेट एंट्रेंस के सी यू टी साइंस सेक्शन में जाइएगा तो दोनों ऑप्शन दिखेंगे आपको ठीक है श्रेष्ठा टू पॉइंट टो अगर आपको लगता है हज़ार रुपये से डिफरेंस आ रहा है तो आप श्रेष्ठा टू पॉइंट टो एन कर लेना ठीक है अदरवाइज आपको महापैक मैं सजेस्ट कर ही रही हूँ तो आप नीचे जाना विद बुक्स वाला थोड़ा महंगा है तो आप विदाउट बुक्स वाला ले लेना इसमें भी ई बुक्स तो रहेंगी और बाकी हर टीचर अपने डी पी पी देता ही है ठीक है तो जो भी कूपन कोड लग रहा होगा उसको हटा देना यहाँ से सबसे पहली बात तो कोई तुमको बोले तो सोचना कि नहीं भाई जो बोला है मैम ने वही करेंगे फॉलो वाई फाइव वन थ्री कोड लगाएंगे एकदम शानदार तरीके से पच्चीस परसेंट को ऑफ मिल जाएगा और ये ऐप से लोग इनरोल तो एग्जैक्टली सात हजार कुछ का ही पड़ेगा अभी सात हजार सौ रुपए का दिख रहा है सात हजार का पड़ जाएगा दैट इज इट दिवाली मनाओ दिवाली पर शुरुआत करो कुछ नहीं जिससे तुम्हें मिले सिलेक्शन क्योंकि मैं चाहती हूं ये दिवाली बने तुम्हारी सिलेक्शन वाली दिवाली ठीक है तो मिलते हैं अवेडनेस डे को नए चैप्टर के साथ उसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाने की कोशिश करेंगे टाइम की पाबंदी के बावजूद फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ आप सभी लोगों को नोट्स मिल जाएंगे कम्युनिटी पे और जो मेरा नया डी पी मिलेगा वो भी मिलेगा कम्युनिटी पे तो उसको ज्वाइन कर लेना एंड मैं उम्मीद करूँगी सत्रह नवंबर वाले बैच में आप लोग मुझे दिखो आप इसको इनरॉल करो और हैप्पी दिवाली भाई सिलेक्शन लेकर आओ यार इससे कम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ऑल द बेस्ट बच्चो विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली All the best. Thank you.